हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है मिठाई पुल, ड्राई फ्रूट और मसाले मार्केट की होने वाली है। तो दोस्तों, एक बार आप सभी को मैं लोकेशन समझा दूं। यहां पे जो आने के लिए, अगर आप बाइक से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं या फिर आप बाई मेट्रो आ रहे हैं, तो यहाँ का लोकेशन जो है दोस्तों, ये जो रोड देख रहे हैं जी सामने, ये इंद्रलोक के साइड से आएगा जी। इंद्रलोक हो गया, बाकी अपना रोहिणी NSP, ये जो रोड है सीधा आएगा जी उस साइड से। और ये जो सामने रोड देख रहे हैं जी, इस साइड में ये आएगा जी अपना नई दिल्ली पुरानी दिल्ली के साइड से। और ये जो देख रहे हैं सामने रोड, ये आएगा आपका 30,000 मेट्रो स्टेशन के साइड से। और बाकी ये रोड जो इस तरफ, जो आप जो पुलिस के बैरियर देख रहे हैं जी, इस तरफ जो है आपका जो है पड़ेगा चावड़ी बाजार, सदर बाजार, ठीक है जी। और बाकी यहाँ पे जो है आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा चांदनी चौक और 30,000 नई दिल्ली पुरानी दिल्ली। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका रहेगा दोस्तों पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली और सदर बाजार रेलवे स्टेशन यहाँ का रहने वाला है जी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आपको दिखाते हैं आज का मसाले का वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं रोशन भाई के शॉप पे। इनके पास जो है ड्राई फ्रूट और मसाले दोनों ही चीज़ मिल जाएगा जी। और देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाई साहब का शॉप है जी। ड्राई फ्रूट और मसाले एक ही शॉप के नीचे दोनों ही चीज़ मिलने वाला है आपको। आप किलो से लेकर के 10 किलो 20 किलो तक ले सकते हैं इनसे माल। तो दोस्तों, आज जो है मसाले पर से जो पर्दाफाश करने वाले हमारे रोशन भाई करने वाले हैं। सारा जानकारी देंगे हमारे रोशन भाई। हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो सर, आज जो है क्या कुछ खास रहने वाले हैं, क्या कुछ नया रहने वाला है मसालों के आज अंदर? खास कुछ नहीं रहने वाला। आज करें हम सीक्रेट मसाले का पर्दाफाश करेंगे। अच्छा, जो लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले जी, ये हमारे बाऊजी का मसाला, ये हमारे ताऊजी का मसाला है जी। तो कोई मसाला कहीं से नहीं आता, सारे मसाले आते हैं पेड़ से। अच्छा, तो आज हम बताएंगे मसालों के बारे में, कैसे बनाया जाता है मसाला। अच्छा, और कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स उसमें पड़ेंगे जी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा काली मिर्च, इसके बाद आ जाएगा जीरा, इसके बाद इसमें आपका आ जाएगा सौंठ, जिसको सूखा अदरक भी बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाएगा आपका छोटी इलायची, इसमें डल जाएगा आपका बड़ी इलायची, फिर इसमें आ जाएगा जावित्री, मसाले का सबसे महंगा आइटम। अच्छा, जावित्री जी। आ जाएगा दालचीनी। अच्छा जी, दालचीनी आएगा इसमें सीक्रेट वाला, इसको सीक्रेट दालचीनी बोलते हैं। अच्छा, सीक्रेट जी, सबसे कॉस्टली यही वाला होता है जी। हाँ, सबसे बढ़िया दालचीनी होता है ये। अच्छा जी, ये हो गया जी अपना लौंग जी। अच्छा, स्टार फूल। अच्छा, चक्र फूल भी बोलते हैं इसको, बादियान बोलते हैं, बिरयानी के लिए बहुत बेस्ट होता है। अच्छा हाँ दोस्तों, ये अपना स्टार फूल रहने वाला जी। देखो जी, अब इसमें आ जाएगा आपको पीपल, इसमें डल जाएगा गुलाब का फूल। अच्छा जी, अपना गुलाब का फूल रहने वाला जी। तो फ्लेवर को चेंज करने के लिए इसमें थोड़ा सा डल जाएगा सौंफ। अच्छा जी, सौंफ भी डलेगा जी। जी अच्छा दोस्तों, सौंफ का क्वालिटी देख सकते हैं आप। देखो, अब इसमें डल जाएगा खसखस दाना, जिसको हफीम के दाने भी बोलते हैं। अच्छा, इंडिया में इसकी खेती अनलीगल है। अच्छा जी, इसमें आ जाएगा जायफल। अच्छा, जायफल जी। अच्छा दोस्तों, सभी चीज़ों का क्वालिटी देख सकते हैं आप। इसमें पड़ जाएगा दखनी मिर्च, इसको वाइट पेपर बोलते हैं। अच्छा जी जी दोस्तों, भाई साहब ने इतने जो है मसाले थाली में सजा दिए, कुछ मसाले तो देखने को भी नहीं मिलता होगा जी। इसमें आ जाएगा कबाब चीनी। देखो जी, ये चीज और ये चीज देखने में सेम ही लग रहा होगा जी, लेकिन जो मसाले हैं अलग अलग है। हाँ, ये है शाही जीरा। लो जी, और एक आ गया जी डिक्टो दिखने वाला, ये शाही जीरा और एक ये नॉर्मल जीरा जी। और सब कलर में भी आइटम जो इसमें पड़ता है, ये पड़ता है जो कि रेस्टोरेंट में आप ढाबे में देखते हो खाने में। अच्छा, कलर जो ऊपर बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, तो ये है, इसको बोलते हैं रतन जोत। रतन जो जी। अच्छा, इससे क्या होता है जी? इससे रोगन आता है सर सब्जी। अच्छा, रोगन आता है जी। अच्छा,
देखो भाई, अब इसमें पड़ जाएगा स्टोन फ्लावर जिसको छबीला भी बोलते हैं। अच्छा जी, छबीला। तो ये सारा आपका हो गया तैयार मसाला। ये ढाबे रेस्टोरेंट में जितने भी मसाले जो होते हैं सारे इन्हीं को लेके मसाले बनाए जाते हैं। बस ये होता है सबका इंग्रेडिएंट्स अलग होता है। अच्छा। किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। अच्छा। लेकिन बनते जो भी है सारे इसी मसाले से बनते हैं। अच्छा। तो सर आप लोग जो है, जैसा कि आपने तो पूरा थाली सजा दिया जी, जी ठीक है, अब सभी चीज का मसाले तो अलग अलग है, पनीर का अलग है जी, शाही पनीर का। जैसे देखिए आप नॉर्मल सब्जी घर में बनाते हैं जी, तो उसमें क्या पड़ता है, जीरा, काली मिर्च, धनिया, हल्दी मिर्च, बिल्कुल जी। हाँ, अब मटन बनाते हैं जी, तो उसमें क्या पड़ता है, सारे गर्म मसाला पड़ते हैं जी, और हल्दी, धनिया, मिर्ची, काली मिर्च पड़ता है जी। तो बस वही होता है, सबका बनाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। बिल्कुल। पनीर मसाला है, पनीर मसाला में जीरा, काली मिर्च पड़ जाएगा, सौंफ पड़ जाएगा जी, कबाब चीनी पड़ जाएगा जी, जखनी मिर्च पड़ जाएगा, जावित्री पड़ जाएगा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची पड़ जाएगा, इतने फास्ट इसमें पड़ेंगे। अब बिरयानी बनाते हैं आप जी, तो बिरयानी में आपका मेन हो गया स्टार फुल, कबाब चीनी, शाही जीरा। अच्छा जी, लौंग और जावित्री और बड़ी इलायची, छोटी इलायची। अच्छा जी, और जायफल जी। तो बस वही है कि मसाले सारे पेड़ से आते हैं जी, कोई अपने घर से बोलता है जो मेरा बाबूजी का मसाला, भाई तुम्हारे बाबूजी कहाँ से लेकर आए थे मसाले। लेकिन सर एक होता है सर जी क्वांटिटी में, हाँ बस वही सबका क्वांटिटी का ही हिसाब के साथ। हाँ, तो आप लोग वो क्वांटिटी बना करके देते हैं। मैं ये मसाले आपको मिलने वाले हैं मेरे पास 1200 रुपए किलो। अच्छा जी, ठीक है, इसका नाम है सीक्रेट मसाला। अच्छा जी, ये आप हर चीज में यूज कर पाओगे। अच्छा, हाँ, ये मसाला ऐसा बनेगा अगर आप दाल भी बना रहे हो जी, तो उसमें भी एक चम्मच डाल के तड़का मार सकते हो, तो वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। अच्छा, ये ऐसा मसाला होने वाला है। अच्छा, ये जो जितने भी आपने इंग्रेडिएंट डाला है जी, जितने भी मसाले डाले हैं, तो ये सभी मतलब जो है आप देंगे 1200 रुपए केजी के? 1200 रुपए केजी में सब मिक्स करके 1 केजी आएगा। अच्छा जी, अलग अलग लेना है तो जैसे जीरा आपको 700 रुपए किलो आने वाले, काली मिर्च 750 रुपए किलो आने वाले। अच्छा जी, दालचीनी ये वाला 650 रुपए किलो आने वाले है। अच्छा, जावित्री 2600 आने वाले है जी, बड़ी इलायची 1600 रुपए किलो आने वाले, छोटी इलायची आपको 3000 रुपए किलो आने वाले। अच्छा जी, दखनी मिर्च आपको 1400 रुपए किलो आने वाले, खसखस के दाने आपको 2200 रुपए किलो आने वाले। अच्छा जी, शाही जीरा 800 रुपए किलो आने वाले, कबाब चीनी 1800 रुपए किलो आने वाले हैं। अच्छा जी, आ जाएगा तो इसमें सौंफ आपका आ जाएगा 400 रुपए किलो, लौंग आ जाएगा 1600 रुपए किलो, स्टार फूल आ जाएगा 1400 रुपए किलो, छबीला आ जाएंगे आपको 900 रुपए किलो, पीपल आ जाएंगे 1200 रुपए किलो, गुलाब के फूल आ जाएंगे आपके 800 रुपए किलो, रतन छबीला रतनजोल आ जाएगा आपका 1200 रुपए। सब में अलग अलग वैरायटी का रेट है, सौंठ आपको आ जाएंगे 600 रुपए किलो। 600 रुपए, तो सबका रेट जो है अलग अलग होता है। अच्छा जी, हाँ, और हम जो देंगे 1200 रुपए किलो में 1 किलो बना के देंगे आपको प्योर मसाला, आपको करना कुछ नहीं होगा इसको, सारे को जो मैं बना के दूंगा उसको आपको रोस्ट करना है तवे पे या कढ़ाई पे, रोस्ट करके इसको पीस के रख लेना डब्बे में डाल के। अच्छा जी, कोई भी सब्जी बनाए आप नॉर्मल, आप जो भी खाना बना रहे हैं आप, एग्जांपल फॉर आप पनीर का सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना है क्या, अपना जो पनीर में जो मसाले पड़ता है, काली मिर्च जी, जीरा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये सब डालिए, बाकी जो मैं मसाला दूंगा वो 1 चम्मच ऐड कर दीजिए इसमें। अच्छा जी, एक्स्ट्रा कोई मसाला आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा उसको। अच्छा, और सर जैसा कि कई भाई जो है हमारे भाई नया रेस्टोरेंट खोलते हैं या फिर छोटा मोटा स्टार्टअप डालते हैं, तो भाई आप मेरे पास आइए, जो चीज का मसाला बोलेगा वो मैं बना के दे दूंगा आपको। किचन किंग चाहिए होगा किचन किंग बना दूंगा, चिकन मसाला चाहिए होगा चिकन मसाला बना दूंगा। अच्छा, मीट मसाला चाहिए मीट मसाला बना दूंगा। अच्छा, सब बना दूंगा मैं। अच्छा जी, और सर जी जैसे मीट में भी जो है अलग अलग वैरायटी होता है ना जी, जैसे शाही चिकन है ना जी, और मटन में भी सर ऐसा होता है ना, जैसे शाही चिकन हो गया आपका, रोस्टेड चिकन हो गया, ये सब आपका हो गया तंदूरी आइटम होता है जी, इसमें करना कुछ नहीं होता आपको, चिकन में बस तंदूर करना होता है, चाट मसाला से बनता है। अच्छा, ये जो है अपने घर वाले के यूज के लिए ज्यादा है ये। अच्छा जी, जो घरों में जो चाहते हैं रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आए जी, वो उनके लिए है ये। अच्छा सर, एक बार जो आज के डेट में ट्रेंडिंग में जो है सबसे ज्यादा मटन जो है, मटन रहता है जी, तो थोड़ा मटन मसाले के लिए बताएंगे सर, मटन के लिए क्या क्या चीज डलेगा सर? ये सारा फ्लेवर है, मटन मसाले का ही आइटम है जी, इसलिए आप मटन भी बना सकते हैं, चिकन भी बना सकते हैं। ये तो सर ऑलराउंडर हो गया, एक जो है स्पेशल जो होता है स्पेशल मटन के लिए, आपको जीरा, काली मिर्च जी, लौंग, इलायची, अच्छा जी, बड़ी इलायची, अच्छा, दालचीनी जी, और दखनी मिर्च और जायफल। अच्छा, बस, और बाकी रतन जो तो उसमें नहीं पड़ेगा सर। अच्छा, और बाकी तो खुद बनाने का भी कलाकारी होता है कुछ? हाँ, बस वो सारे डिपेंड करते हैं अपने ऊपर, सारे कैसे बनाना है। अच्छा जी, मसाले का क्वांटिटी सबसे ज्यादा बेटर करता है कि कितना क्या पड़ेगा। अच्छा, टेस्ट उससे आता है। अच्छा, अब आप जीरा है तो जीरा थोड़ा ज्यादा पड़ता है, काली मिर्च थोड़ा उससे कम पड़ता है, गर्म मसाले बहुत ही कम पड़ता है। अच्छा जी, तो इसलिए टेस्ट में डिफरेंट इसलिए आता है कि कोई किसी मसाले को किसी का नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी डाल के बना देते हैं। तो सबसे मेन है मसाले में कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स कौन कितना पड़ रहा है, कितनी क्वांटिटी में पड़ रहा है जी, किसका क्या फ्लेवर आने वाला। बिल्कुल जी, तो टेंशन आप लोगों किसी को लेना नहीं है, आना है मेरे पास, जो भी चीज का मसाला चाहिए होगा मेरे को बोलो, मैं बना के दूंगा। अच्छा, तो रोशन भाई अगर यदि कोई होटल वाला आता है आपके पास तो उसको पूरा आप गाइड करेंगे, पूरा समझाएंगे कितना मसाला? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल समझाएंगे। अच्छा जी,
और किसी को रोशन भाई अगर बल्क में लेना हो जैसे 2 किलो 5 किलो 10 किलो जी, तो उसके लिए क्या कुछ कम बेस होने वाला जी? ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा कर दूंगा मैं। अच्छा जी जी, मतलब जो भी रेट आपका रहेगा रीजनेबल रेट रहेगा। एक्चुअली ऐसा है ना कि अभी जीरा आज से 3-4 महीना पहले 200 रुपए किलो था। हाँ जी हाँ जी, अभी 690-85 रुपए हमारा जहाँ से आता, अब हम 700 में नहीं बेचेंगे तो हमारा भी सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, 5 रुपए तो बनता है जी जी। और बाकी आपके शॉप का जो भी रेट रहेगा रीजनेबल रहेगा? रीजनेबल रहेगा सर, मार्केट से 10 रुपए आपको कम मिलेगा मेरे पास। अच्छा जी जी, और बाकी जो भी आपके दुकान में आने के बाद जो भी आपसे बनता होगा वो आप कर देंगे जी? अच्छा, एक बार सर जी लोकेशन समझा दो सर, एक बार फोन नंबर। शॉप हमारी लगती है मिठाई पुल दिल्ली में जी, जो कि आपका आजाद मार्केट सदर बाजार और चांदनी चौक के आसपास पड़ता है जी। तो किसी को भी मेरी शॉप पे आना हो तो सीधा आप 30 जारी का मेट्रो ले सकते हैं जी, या कश्मीरी गेट का मेट्रो ले सकते हैं जी, या तो फिर चांदनी चौक का मेट्रो ले सकते हैं, या तो फिर सदर बाजार रेलवे स्टेशन का आ सकते हैं जी, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ सकते हैं जी। बाकी भाई नंबर मेरे भाई स्क्रीन पे शो करवा देंगे, बाकी फिर भी मैं बोल देता हूँ 7970572135। जिस भी भाई को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा मुझे कॉल कर ले जी, मैं दे दूंगा। बाकी हाँ, अगर किसी को बाहर डिलीवरी करवाना हो जी तो वो आपको हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट पहले करना होगा। अच्छा जी, अगर किसी भाई को पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि हमें नहीं करना है, अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा तो भैया वो नहीं करे कॉल जी, क्योंकि कॉल आते हैं भैया बहुत ज्यादा, तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। और जिसको चाहिए होगा भैया वही कॉल करे। बिल्कुल जी हाँ। और सर जी और अगर कुछ क्वेरी भी चाहिए हो, अगर कुछ क्वेरी भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं ना। क्वेरी के लिए आप कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत बोलिए सर सीओडी भिजवा दिए, मैं सीओडी नहीं करवा पाऊंगा भाई। प्रीपेड डिलीवरी होती है, आप पेमेंट करवा दिए और 100% आपके पास जाएगा सामान जी, इसकी गारंटी है। और आप नियर बाय रहते हैं तो सबसे बेस्ट है जी, यहाँ पे आप दिल्ली से हैं या सोनीपत से हैं, हरियाणा से हैं, तो आप शॉप पर आके विजिट कीजिए जी, सामान का क्वालिटी चेक कीजिए, क्वालिटी चेक करके लेके जाइए जी, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है। बाकी जो इंडिया से मतलब जो दिल्ली से बाहर है, जो किसी इंडिया किसी भी कोने मंगवाना चाहते हैं, तो वो भाई आपको पेमेंट करना होगा, 120 रुपए किलो डिलीवरी चार्ज लगेगा आपको जी। आप पेमेंट कर दो, मैं कुरियर करवा दूंगा जी। ओके जी, मतलब डिलीवर भी हो जाएगा लेकिन पेमेंट जो है पेमेंट आपको पहले करना होता है। क्या सर कि ड्राई फ्रूट और मसाले का आइटम है जी जी, बंदे पहुंचने के बाद रिसीव नहीं करते तो वो वापस आते आते बर्बाद हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, तो इस वजह से हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हैं। अच्छा, प्रीपेड में क्या होता है कि बंदे को अंदर होता है कि हाँ भाई सामान आ रहा है, लेना है जी जी। और क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी 2-3 बार किया तो सामान वापस आ गया और बहुत बुरा हालत में वापस आया था। अच्छा जी, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया जी जी। बाकी आपको कहीं भी आना है, शॉप पे आइए, मेरा आराम से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉप का लोकेशन बता दिया हूँ जी, नंबर बता दिया हूँ, बाकी कार्ड दे देता हूँ मैं शॉप का, कार्ड है शॉप का, स्क्रीन शॉट ले लें भाई। दोस्तों ये इनका कार्ड है जी, बाकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अगर किसी को भी कोई दिक्कत होता हो तो इन नंबरों पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी शॉप ओपन होने का टाइम जो है भाई जी, शॉप ओपन का टाइम क्या है जी? शॉप सर आपको मंडे टू सैटरडे आपको 7 बजे सुबह शॉप ओपन मिल जाएगी और संडे को 5 बजे सुबह। अच्छा जी, 7 बजे से ये मार्केट लगना स्टार्ट हो जाता जी? है, मतलब 11 बजे तक जो है प्रॉपर ओपन हो जाते हैं जी? बिल्कुल, 7 बजे आप मेरे शॉप पे आओगे, 7:30 आपको मैं मिल जाऊंगा यहाँ पे। अच्छा जी, और संडे को आओगे 5:30 तक मिल जाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, और रात में आपको 8 बजे तक मिलूंगा यहाँ पे। 8 बजे तक? हाँ, मतलब 7 से लेकर के 8 बजे तक का यहाँ का मार्केट है जी। अच्छा जी, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।